और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और जिस तरह से जेपीएससी ने धांधली की है, इसकी पूरी जांच होगी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रांची जिले में महिलाओं के क्राइम में एंट्री ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जहां पटना की रहने वाली लवली सिंह को अंतर राज्य वाहन चोर गिरोह के सरगना के रूप में 5 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया, तो वहीं सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से ड्रग्स का कारोबार करने वाली मॉडल महिला सरगना ज्योति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। लगातार महिलाओं की अपराध जगत में संलिप्त आने पर पुलिस को भी चौंका कर रख दिया है। ऐसे में अब पुलिस महिलाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम बताते हैं कि महिला होने के नाते पुलिस से सहानुभूति रखती है और अपराध में महिलाओं पर पुलिस का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में महिलाओं को अपराध में शामिल पाया गया है, इससे सतर्कता बढ़ती जा रही है और जिले के एसएसपी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि महिलाओं पर विशेष ध्यान देना है और अगर किसी भी महिला की अपराध में संलिप्तता पाई जाती है तो उस पर नियम संगत कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। फोर व्हीलर गाड़ी को टारगेट करके उसको चुराना था या फिर लुटवाना था, फिर उसको नंबर और चेंज करके फिर उसको औने पौने दाम में बेच लेना था। उसमें यंग लड़के रखते थे। और इधर सुखदेव नगर में भी जो सामने आया है चस का काम जो हो रहा था, उसमें भी देखा गया कि लेडीज आ गई। इसके पीछे ध्येय यही है कि नॉर्मली समाज में ऐसी मानसिकता है या पुलिस डिपार्टमेंट का भी ऐसा मानसिकता है कि लेडीज पे फोकस कम है, उनको हम लोग सहानुभूतिपूर्वक बल्कि उनको सुरक्षा देने का काम करते हैं। और अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता नैयर, उस वक्त फोन लाइन से जुड़ गए हैं। नैयर, अब महिलाओं की एंट्री हो गई अपराध जगत में और पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इस वक्त? देखिए, रांची पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है जिसमें अब महिलाओं की भी भागीदारी अपराधी के कार्यों में हो रही है, जिसमें ताजा मामला अभी कुमारी थाने इलाके ग्रामीण इलाके में लवली सिंह नामक जो पटना की रहने वाली है उसी गिरफ्तारी के बाद यह सामने आया कि इसका एक गिरोह था जिसके द्वारा ये वाहन चोरी का कार्य किया कराया जाता था और दर्जनों वाहनों के इन गिरोह के द्वारा चोरी की गई है। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, कई वाहन जब्त किया है और उसके बाद दूसरा मामला जो एक मॉडल है उसके द्वारा तस्करी का मामला है, जो ब्राउन शुगर अफीम इस तरह के जितने भी नशीले पदार्थ है उसकी तस्करी करने का बात सामने आई है। हालांकि दोनों मामले में पुलिस ने सफलता पाई है और दोनों को अभी पुलिस ने जेल में डाला है। हालांकि पुलिस इसके बाद काफी चौकन्नी है। हालांकि पहले ये होता था कि महिला होने के कारण पुलिस उसमें उतनी गंभीर नहीं होती थी, लेकिन दो कांड होने के बाद अब पुलिस अलर्ट हो गई है। रांची पुलिस अब महिलाओं को भी गंभीरता से ले रही है। नैयर, अपराध में महिलाओं की क्या संलिप्तता होती थी और भी क्या इनके जो सरगना है उनमें और भी लड़कियां शामिल है? देखिए, पुलिस ने बताया है कि रिमांड में लेने के बाद और भी पूछताछ की जाएगी और भी अगर अन्य लड़कियां हैं तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन रांची पुलिस के लिए सबसे बड़ा सर दर्द जो इन दिनों है वो महिला का है, क्योंकि रांची पुलिस भी सोची नहीं थी कि महिलाओं के द्वारा इस तरह आपराधिक कृत्य किया जाएगा। लेकिन अब रांची पुलिस अब का कहना है कि अब महिलाओं पर भी चौकसी रहेगी, कहीं भी अगर नशीला पदार्थ या कहीं अगर आपराधिक अगर घटनाएं होती है तो वहाँ अगर कोई महिलाएं अगर संदिग्ध लगती है तो उससे भी पूछताछ की जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि रांची पुलिस के लिए बड़ी चुनौती हो गई है। पहले तो अपराधी से ही निपटना पड़ता था, लेकिन अब महिलाओं से भी निपटना पड़ेगा। उर्वशी, चलिए अब महिलाओं से भी निपटना पड़ेगा। नैयर, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महिलाओं पर विशेष निगरानी रखने का भी निर्देश दिया गया है। हालांकि